मुझे हाल फिलहाल में एक पत्रकार मुझसे पूछ रहा था कि इस प्रोटेस्ट के बाद आप क्या करने जा रहे हैं। मुझे उनको कहना पड़ा कि ये कोई प्रोटेस्ट नहीं है, ये हमारी जिंदगी है। इस देश में आप इस देश के तमाम लोगों का बंटवारा करके उनका हत्या कराना चाहते हैं, हम उसका विरोध नहीं करेंगे। आप इस देश का संविधान के विरोध कर रहे हैं नफरत फैलाते हुए। हम इस देश के संविधान को बचाने के लिए आए हैं। इस देश के अंदर जो प्यार मोहब्बत है उसको बचाने के लिए आए हैं। अभी उमर भाई मुझे बुला के गए हैं, मैं एक छोटा सा बात आपको कहना चाहता हूँ। जब जेएनयू में 9 फरवरी की घटना घटी थी, मुझे याद है तमाम लोग हमको बोले थे कि कन्हैया और अनिर्बान के लिए आप लड़ लीजिए, उमर के लिए मत लड़ना, वो मुसलमान है, वो आतंकवादी होगा। बहुत लोगों ने बोला, मुझे शर्म भी आता है कि कई हमारे बीच के लोगों ने बोला। और हमने उस टाइम पे बोला था कि भाई तुम्हारे कहने से कोई आतंकवादी नहीं बनता है। आतंकवादी जो आरोप है उनको तो संसद ने अपने बिठा दिया, जो गौडसे का पूजा करते हैं, जो गौडसे को मानते हैं, और जो लोग देश के तमाम लोगों के लिए लड़ने वाले लोग हो उनको आतंकवादी घोषित कर देते हैं। हमने उस टाइम पे बोला था अगर उस पूरे घटना में फर्जी तरीके से फंसाने में अगर उस आखिरी इंसान का नाम अगर उमर होगा, हम उमर के लिए भी लड़ेंगे। और लड़ा था उस टाइम पे और लड़ते रहे हैं। और 2015 में जब मोदी सरकार आया था, याद होगा आपको दादरी में जो क्लाक का मॉब लिंचिंग का सिलसिला हुआ था, कई लोगों ने नहीं बोला था, डर गए थे। जब जेएनयू का घटना घटी थी, जैसे उमर के लिए नहीं बोलने के लिए तैयार थे, डर गए थे। जब कन्हैया के लिए बोलने के लिए तैयार नहीं थे, डर गए थे। घटनाएं घटती गई। आज जो होम मिनिस्टर है वो यहां तक बोल चुका है, इस देश के अंदर जो अल्पसंख्यक है, जो बाहर से आए हैं, वो कीड़े मकोड़े हैं, उनको मार के भगाना चाहिए। याद रखिए ये भाषा कब आखिरी बार यूज की गई थी, रवांडा में जब जीरोसाइड हुआ था तब यूज की गई थी, नाजी जर्मनी में ज्यूस को, कम्युनिस्ट को, ट्रेड यूनियनिस्ट को और तमाम लोगों को जब गैस चैम्बर में डाल के हत्या कर दी गई थी तब यूज कर दी गई थी। और आज ऐसे ही भाषा से जो जीत के आए हैं और संसद में, मैं कहना चाहता हूँ असदुद्दीन ओवैसी जब शपथ लेने जा रहे थे आपको भारत माता की जय और जय श्री राम के नारे लगाने का क्या जरूरत था? अब क्या बताना चाह रहे थे कि ये हिंदू राष्ट्र है। आपको अगर हिम्मत है तो संविधान को बदल के दिखाइए, हिम्मत है तो बोलिए हम इस संविधान में नहीं मानते हैं। आपके लोग बोल चुके हैं, हेगड़े साहब बोल चुके हैं, आपके साक्षी महाराज बोल चुके हैं, आपने सेमिनार बिठा के बोले हैं कि संविधान को हम बदल के दिखाएंगे। और आज आप सदन में बैठे हुए और सदन में नफरत फैलाने की कोशिश कर रहे हैं। और सदन में जो लोग उड़ीसा में एक क्रिश्चियन फैमिली को मारने में जो बजरंग दल के लोग शामिल थे, उस बजरंग दल का जो हेड बजरंगी साहब थे, उनको मंत्री बना दिया। आप क्या कहना चाहते हैं? साध्वी प्रज्ञा को अभी तक अपने संसद में है क्या? भाजपा ने डिसिप्लिनरी एक्शन लेके हटाया गौडसे के ऊपर जो प्रेम जताया था उन्होंने? एक बार जोर से बोलिए, गांधी का, अंबेडकर का, पेरियार का, फूले का देश है, कोई गौडसे का देश नहीं है, नहीं हो सकता है। लड़ेंगे, 5 साल आ गया तो क्या हो गया है? तमाम पैसा है इनके पास, तमाम ताकत है उनके पास, हमारे पास लोग है, हमारे पास शरीर है, दिमाग है, सोच है। हमारे पास लोग है, एक दूसरे के साथ खड़ा होना सीख लीजिए, खड़े होने का जरूरत है। ये नहीं देखना है कि दूसरे का धर्म क्या है, जात क्या है। अगर देखने लगेंगे तो हमारे में और आरएसएस में कोई अंतर नहीं होगा। अगर तबरेज अंसारी को पेड़ पे बांध के छोरी के मसले पे जय श्री राम के नारे लगाने के लिए बोल के मार दिया है, आपको नहीं लगता है कि कौन से धर्म की बात कर रहे हैं? मुझे नहीं लगता कोई हिंदू धर्म की बात है। मैं एक छोटी सी बात कहना चाहता हूँ, मैं भी ऐसे ही एक परिवार में पैदा हुआ हूँ। मेरी माँ सुबह शाम भगवान का पूजा करती है, कभी भी उनके मुंह से मैंने ये बात नहीं सुना है तुम कोई मुसलमान का मदद मत करना, कोई क्रिश्चियन का मदद मत करना, वो लोग गलत लोग होते हैं, मैंने कभी ये बात नहीं सुना है। उन्होंने हमेशा ये बात बोला कि अगर कोई इंसान तुम्हारे पास आके मदद मांगता है तो मदद करो, कर सकते हो तो। अगर कोई इंसान तुम्हारे पास इंसाफ के लिए आ सकता है, आता है और मांगता है, तो मदद करो उसका, ये कभी नहीं बोला है।
ना ही कोई मुझे लगता जो धार्मिक है, जो भगवान में मानते हैं, या कोई भी हो इस देश में जो इंसानियत या दुनिया में भी जो इंसानियत में मानते हैं, वो कभी ये नहीं सोचता है कि भाई ये दाढ़ी वाला है, ये टोपी वाला है, ये मुसलमान है, ये दलित है, ये बीफ खाता है, मार दो इसको। अगर आप कह रहे हैं, आप उस गॉडसे के विचारधारा के लोग, आप उस साध्वी प्रज्ञा के विचारधारा के लोग, उस बजरंगी के विचारधारा के लोग हैं, उस गोलवारकर सरवारकर के विचारधारा के लोग हैं, इस देश में जो हिंदुत्व को लगाने के लिए तमाम आपके भावनाओं को इस्तेमाल करके, लोगों के भावनाओं को इस्तेमाल करके एक दूसरे का कत्लेआम करवाना चाहते हैं। लड़ना पड़ेगा, बहुत लड़ना पड़ेगा। हो सकता है कई हमारे ही लोगों को जेल में डाल देगा, मार देगा, कत्ल कर देगा, बट ये दूसरी आजादी की लड़ाई है इस देश को बचाने की। नफरत से आजादी हमको चाहिए, कहेंगे इस नफरत से आजादी चाहिए, ताकि प्यार मोहब्बत इस देश में ही नहीं, इस पूरे दुनिया में आए। इस संविधान को बचाने की लड़ाई है। इस मुल्क में तमाम चीजें जो हमारे फ्रीडम फाइटर्स ने हासिल किया शहादत देके, उनको, उनके आत्मा को, उनके हर बात को बचाने की लड़ाई है। एक ही बात मैं पूछूंगा, उसके साथ मैं अपनी बात को खत्म करूंगा। कोई आरएसएस वाले से पूछ लीजिए कि क्या आपके कोई लोग शहादत हुए हैं इस देश के आजादी के लड़ाई में लड़ते हुए, कोई एक नाम नहीं होगा, क्योंकि वो क्वीन विक्टोरिया से और तमाम ब्रिटिश साम्राज्य के पैरों पर गिरे पड़े थे चापलूसी करते हुए, हमको छोड़िए हम आपके गुलाम बन के रह जाएंगे, ये उनकी इतिहास है। और इस देश का इतिहास गांधी का है, अंबेडकर का है, परियार का है, फूले का है और तमाम लोगों का है जो लड़े हैं। और प्लीज यही मैं गुजारिश करूंगा, एक दूसरे का हाथ पकड़ना मत भूलिए, एक दूसरे के साथ चलना मत भूलिए, और जो भी मेट्रो में हो या बस में हो, आपके परिवार में हो, आपका दोस्त हो, कोई भी नफरत फैलाए, वहीं पे खड़े होकर उसका सामना कीजिए और बोलिए कि नफरत नहीं, प्यार, इंसाफ और इस देश का संविधान और लोकतंत्र से जीतेंगे और लड़ेंगे और एक साथ लड़ेंगे। इनकलाब जिंदाबाद।